ची हिकड़िया हिकड़ी चिकल है भैया हिकड़िया है जा जा तू जा गुंजे तो था कौन था हिकड़ी बक ओ हिकड़ी ये लोग कर ये क्या ये ले ये जो कि अब एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि मतलब ये हमारे यहाँ का है वीडियो और वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। मैंने भी आज ही उस वीडियो को देखा, लेकिन मैं जब घर से बाहर मेरे फ्रेंड सर्कल में निकली तो उसकी चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी थी। और मेरे फ्रेंड के रिश्तेदार में से कोई तो उसका फ्रेंड है ऐसा मुझे सुनने में आया, लेकिन उसका नाम है वगैरह मुझे पता नहीं है। जब वीडियो देखा और उसमें मतलब हमारे फ्रेंड में जब बातचीत होने लगी तो सब उनको जिसने वीडियो बनाया है उसको गालियां दे रहे थे। तो मुझे लगा, मैंने उनको भी समझाने की कोशिश की कि मैं सांप पकड़ती हूँ, मुझे पता है कि क्या होता है और क्या नहीं। उसने जानबूझ के बिल्कुल भी नहीं किया था, वो शूट निकाल रहा था और बच्चा खेल रहा था, तो बस बच्चे का कुछ तो उसको कैप्चर करना था कि वो क्या कर रहा है, वो उसको शूट करना था। तो वो शूट कर रहा था बच्चों को, मतलब इधर आओ इधर आओ कुछ तो बोल रहा है, और बीच में जाके उस बच्चे को सांप है वगैरह पता नहीं, बहुत छोटा बच्चा है, उसने उसको टच किया, बहुत गुस्सेला सांप था। अभी बारिश का टाइम है, पूरा मिट्टी हमारा काली मिट्टी जैसा दिखने लगता है, उसमें वो सांप गेहूं कलर का था। और उस बच्चे ने जाके उस सांप को बीच में जाके टच किया, उसने एकदम से फोन निकाला, आवाज निकाला, तो बच्चा डर के उसके पास बाद में भाग कर गया। उसमें भी उसका वीडियो नहीं रुका, बच्चों को उसने उस बच्चे को अपने गले से लगाकर कुछ नहीं हुआ करके बोला है। उसमें सांप सुनाई दे रहा है कि कुछ नहीं हुआ ऐसा बोल रहा है, और बाद में शूट चालू किया कि सांप जा रहा है। तो इस तरह का वो मैंने वीडियो देखा और मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि उसकी कुछ गलती नहीं है। और यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, जब हम शूट करते हैं तो हमारी नजर स्क्रीन पर होती है, तो उतना एरिया छोड़ के हमें बाजू के एरिया में उतना ज्यादा दिखाई नहीं देता, तो एकदम से वो सांप बच्चा जब मूवमेंट करता है तो उस टाइम वो सांप बाजू में दिखाई दिया। और वो जब जो शूट कर रहा था इंसान वो बहुत दूर था, लेकिन इस तरह से शूट पकड़ा है और वो उसकी नजर उधर थी और बच्चों को भी वो बुला रहा है, तो सांप की तरफ उसकी नजर नहीं गई है, ऐसा कुछ तो हुआ होगा वो। तो वो बात सही है, लेकिन उसको मतलब उसको जिम्मेदार ठहराना वो गलत बात है। देखिए, हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और ये हम बार बार कहते हैं हमारे वीडियो में, आप हम दोहराते आप सुनते रहते हैं कि जितना आप डरते उतना सांप से डरना नहीं चाहिए, आप समझते उतना वो खतरनाक नहीं है। बात नाक की है तो दुनिया भर में उसको ब्रांड बनाया गया है डर का, फिल्मों में भी उसका जिक्र होता है हमेशा, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे, मैं उस पर बात करना या लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। आपका विवेक अगर जागरूक है, अगर आप सोच सकते हैं, आप कानों से ज्यादा आंखों पर भरोसा करते हैं, तो वीडियो सब कुछ कह रहा है कि सांप क्या है सच में, और इतना डरना चाहिए क्या, खतरनाक है क्या। तो हमेशा लोग हमें कहते रहते कि आप तो खास है, स्पेशल है, कुछ लोग तो अंधविश्वास की तरफ लेके जाते हैं कि कुछ खास लोग होते हैं, उनके ऊपर कोई देवी शक्ति होती है, चमत्कार होता है, कोई मंत्र होता है, कोई विद्या ऐसी होती है, उनको सांप कुछ नहीं करता। तो उस नजर से आप हमें देखते हैं तो सांप बल्कि हम हीरो लगने लगते हैं और सांप हीरो लगने लगता है, उसको हम खतरनाक ही मानने लगते हैं। लेकिन सच्चाई अगर आप जानेंगे और साइंटिफिक वैज्ञानिक नजर से सांप को देखेंगे, तो यहां पर सांप धूप सेकने के लिए या उसको जगह नहीं मिल रही इसलिए बीच में बैठा था। बच्चा जब नजदीक आया, कोई खिलौना जैसा दिखाई दिया तो उसको टच कर रहा है, जब अचानक उसको देखा तब वो भी डर गए होंगे, लेकिन उसके बाद सांप टच करने के बाद जैसे किसी चीज से होता है, किसी जानवर ने किया होता है या इंसान ने किया होता है, वो रिएक्ट जो करता है अपनी डर के कारण, आत्म सुरक्षा के लिए वो उसने किया है, लेकिन उतना ज्यादा खतरा नहीं है ऐसा उसको लगा।
और वो पहली स्टेप यही लेता है कि वहां से दूर जाना है। तो हम वीडियो में बार बार हाथ में पकड़ने के बाद भी दिखाते हैं कि वो दूर जाना चाहता है, तो वहां से वो ज्यादा एग्रेसिव होके उसको काटने को नहीं आया, टच किया तो बस वहां से फन निकाला। लेकिन ऑप्शन जो रहते हैं आखिरी वक्त में सांप काटने आता है, कोई ऑप्शन नहीं है तो जाने की सोचता है, तो वहां से वो निकल पड़ा। देखिए लोग बोलते हैं कि हम उतने दूर से देखते हैं कितना डर लग रहा है वगैरह, बच्चे को तो पता नहीं है, बच्चे को तो बाद में पता चलेगा कि माँ बाप उसके दिमाग में क्या क्या डालते हैं सांप के बारे में। लेकिन ये सच्चाई है, उसको टच करने के बाद भी सांप ने फन निकाला है, डर भी गया है, उसको गुस्सा भी आया है, लेकिन उसने अपना रास्ता नापा है और वहां से वो निकल पड़ा है। मतलब आप समझते उतना सांप खतरनाक नहीं है, सांप को पूरा अधिकार था, उसके पीछे उसको उसके पास एक रीजन था बड़ा कि वो काटे बच्चे को, कि मुझे तो अभी पकड़ा है, टच किया है। मेरे गांव से तकरीबन 18 किलोमीटर गांव है कंगराली करके, ये कंगराली होता है मराठी में, तो कंगराली बी के कंगराली करके, यहाँ से 18 किलोमीटर। और कल रात में आखिरी सांप उसी गांव में मैंने घुनस पकड़ा है, जो आप वीडियो में आगे देख पाएंगे। तो ये मैं ये बोल रहा था कि सांप को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, खासकर इंसान से, इंसान उसका कोई खाना वगैरह नहीं है। तो उम्मीद है आप उस सच्चाई को समझेंगे, जानेंगे, सांप को समझना वही जरूरी होता है, और कानों से ज्यादा अपने आंखों पर भरोसा करेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और सांपों का डर कम करने की इस मिशन में आप भी योगदान लेंगे। इसी तरह की जानकारी और वीडियो हम बनाते रहेंगे। आपके आस पड़ोस में ऐसी घटनाएं होती है, सच जानने की आप हमेशा कोशिश करते रहेगा और वही सच्चाई रखने की हमारी कोशिश रही है। वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, अपने लोगों में फैलाइएगा ताकि ये सच्चाई लोगों तक पहुंचे, अफवाहों से सांप बदनाम ना हो, हम भी हमारी जान या सांपों की जान ना जाए। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ये सफर आपके साथ चलता रहेगा, अधूरा है, आप अपना अनमोल या कीमती वक्त हमें देते हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।